अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो भाई आज हमारे साथ बैठे हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट है जिनके पासपोर्ट पे जी रशिया का वीज़ा लग के आया। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, भाई का जो वीज़ा प्रोफेशन है वो कमर्शियल सेल रिप्रेजेंटेटिव का है और किसी एक भी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया। भाई मैं पासपोर्ट आपको सारा दिखा सकता हूँ इनका, किसी भी कंट्री में इनका ट्रैवल नहीं है और यूएई में भी न्यू है, फ्रेश है, इतने ज़्यादा पुराने नहीं है। पहला ही वीज़ा इनका यूएई में लगा हुआ है। तो मैंने जैसे कि पहले भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने बताया कि अगर आपका वीज़ा डेजिग्नेशन लो हो, बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ना हो और एनओसी भी ना हो, तब भी आपका रशिया का वीज़ा लग जाएगा। सिर्फ आपने एक पासपोर्ट देना और एक पिक्चर देनी है, सिर्फ पासपोर्ट और एक पिक्चर, पाकिस्तानी पासपोर्ट या इंडियन पासपोर्ट, कोई भी पासपोर्ट हो उस पर आपका रशिया का वीज़ा लग जाएगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का वीज़ा हो, सेल का हो, चाहे लेबर कैटेगरी का वीज़ा हो, अच्छी कैटेगरी या लो डेजिग्नेशन हो, कोई भी डेजिग्नेशन हो, आपका वीज़ा लग जाएगा। और उसके अलावा किसी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि जी रशिया जाने का फ़ायदा, रशिया दोस्तों आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बड़ा कंट्री है, एक वक्त पर ये सुपर पावर रह चुका हुआ। अगर आप यहाँ की एक बार ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, यहाँ से यहाँ का वीज़ा लगवा के उसके बाद आप किसी अच्छे बड़े कंट्री में अप्लाई करो, ऑब्वियस बात है आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। लोग ट्रैवल हिस्ट्री इसीलिए बनाते हैं कि उन्होंने अगर किसी अच्छे बड़े कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना होता है तो उनको वीज़ा मिलने में आसानी रहती है, इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाई जाती है। और मेरा नहीं ख्याल कि रशिया से अच्छा कोई कंट्री है ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से। अगर आप कंपेयर करो रशिया को बेशक तुर्की के साथ, थाईलैंड मलेशिया के साथ या फिर किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर कर लो तो रशिया इन सब कंट्रीज में से स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग कंट्री की आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाओगे तो नेक्स्ट अच्छे कंट्री का वीज़ा लेने में आसानी होती है। उसकी रीज़न ये है, रशिया ये अपना बॉर्डर शेयर करता है शेंगेन जोन के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर अपना शेयर करता है। अगर आप वहाँ से होके आते हो, बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं और इंडियंस भी हैं वहाँ पे, स्टडी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे जाके अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवाना चाहो, अपने वीज़ा को कन्वर्ट भी करवा सकते हो स्टडी परमिट पे या वर्क परमिट पे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। उस पर मैंने पहले काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जब मैं रशिया में था रशिया में मैंने वीडियोज़ बनाई थी जाके। तो ये दो तरह के वीज़ा होते हैं दोस्तों। भाई को जो वीज़ा मिला है वो जी टूरिस्ट कैटेगरी का वीज़ा मिला है, एक बिजनेस कैटेगरी भी वीज़ा होता है लेकिन बिजनेस कैटेगरी थोड़ा सा डिफरेंट वीज़ा हो जाता है। मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि आप टूरिस्ट कैटेगरी में वीज़ा लें और वहाँ टूर करके आएँ और नेक्स्ट किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। देख अगेन देख सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, किसी कंट्री का कोई ट्रैवल नहीं है, वीज़ा डेजिग्नेशन बेशक इनका ठीक है। आप आज अगर यूएई में आए हो, वीज़ा भी आज ही लगवाया आपने, तो सिर्फ पासपोर्ट और एक पिक्चर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कोई एनओसी नहीं। बहुत सारे लोगों को बैंक स्टेटमेंट का भी इशू आता है और एनओसी का भी इशू आता है, कंपनीज नहीं देती हैं तो उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी होती है, तो रशिया को अपनी हिट लिस्ट में रख लें। बाकी इंस्टाग्राम पे अपलोड है दोस्तों वीज़ा, वहाँ पर जाके देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नेटवर्क पर, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।